सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि भाजपा आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। आज साल बता दें कि साल 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी। इससे पहले इसका नाम जनसंघ था, जिसका 1977 में जनता पार्टी में विलय हो गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी का जीवन आज भी हमने भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा कर ले गए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम से लोगों को आगे बढ़ा रही है, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रहती है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी दुष्टों का विनाश करते हैं, बीजेपी भ्रष्टाचारियों का करती है। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है। हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। राष्ट्रपति भवन में बुधवार को 53 हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है, जहां कर्नाटक के बिदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। वहीं शाह रशीद अहमद कादरी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र से आभार जताया है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान मिलने के बाद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि कांग्रेस शासन के 5 वर्षों में उन्हें पद्मश्री नहीं मिला, सोचा कि बीजेपी भी इसे नहीं देगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें गलत साबित कर दिया। वहीं कादरी ने अपनी बात पूरी की तो पीएम मोदी मुस्कुरा उठे। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ, उसके बाद में खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देगी, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने तरफ नहीं हुआ, उसके बाद में खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है यह हमको नहीं देगी, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पीरियड में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त किया। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग तेज हो गई है, जहां आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। निरहुआ ने कहा कि हम भी अपनी सरकार से कहेंगे कि नेताजी को भारत रत्न मिले, नेताजी का कद बहुत बड़ा था और उनको सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। मुलायम सिंह को सम्मान पर उनके भाई शिवपाल यादव ने इशारों में तो पार्टी महासचिव स्वामी मौर्य ने खुले शब्दों में नाराजगी का इजहार किया है।
दोनों ही नेताओं ने पूर्व में मुलायम सिंह को भारत रत्न देने की मांग की थी। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्षी नेताजी की पहचान है। नेताजी और उनकी समाजवादी मूल्यों की राजनीति ने देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक न्याय का भरोसा दिया। कोई भी सम्मान नेताजी की शख्सियत से बड़ा नहीं है। नेताजी को नेताजी बनाने के लिए इस देश के करोड़ों जन को कोटि नमन। तो सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को सम्मान मिलने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा अभियान मनाने वाली भाजपा की सरकार में आदिवासियों दलितों पिछड़ों को सम्मान देने में भेदभाव क्यों? यदि सम्मान देना ही है तो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर काशीराम साहब एवं पिछड़ों के मसीहा नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करें। बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भारत रत्न की मांग की थी। डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी को जो ये पद्म विभूषण की उपाधि मिली है, मुझे लगता है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। सरकार और अधिकारियों के अनुसार संसद के बढ़ते काम के कारण एक नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस की गई है। बताया जा रहा है कि अभी का संसद भवन ब्रिटिश दौर में बना था, जो लगभग 100 साल पुराना है और उसमें जगह और अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में संसद भवन की नई बिल्डिंग का काम जोरों पर है और नए संसद भवन का हाल तैयार हो चुका है। जहां उम्मीद ये भी है कि आगामी बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन इसी हॉल में कराया जा सकता है। सूत्रों की माने तो संभावना इस बात की भी बनती है कि बजट भी इसी भवन में पेश किया जा सकता है और नई बिल्डिंग में लोकसभा फ्लोर प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है। हालांकि इसके निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदालत ने अभी केवल आधारशिला रखने की इजाजत दी है, जहां केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भरोसा दिया है कि इससे संबंधित याचिकाओं पर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देती, तब तक सरकार किसी की भी तरह के निर्माण या तोड़फोड़ का काम नहीं करेगी। बिहार में 15 अप्रैल से राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा रही है और इसका पहला चरण मकान गणना के रूप में पूरा हो चुका है, जहां अब असल में जातियों के हिसाब से जन की गणना का समय पास आ गया है। ऐसे में सरकार की ओर से जातियों के लिए कोड निर्धारित किए गए हैं और इन कोड को सोशल मीडिया पर गलत नंबरों की जानकारी वायरल अब भी हो रही है। बताया जा रहा है कि जातीय जनगणना के मामलों को प्रश्न संख्या 8 में जातिगत जानकारी कोड के रूप में दर्ज करने के लिए 5 पन्नों का एक सेट उपलब्ध कराया गया। इसमें 214 जातियों का नाम और उनका कोड दर्ज है। वहीं जातिगत जनगणना के इन कोड को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी से ज्यादा अफवाहों को लोग शेयर कर रहे हैं और सही जानकारी के अभाव में लोग गलत कोड प्रचारित कर रहे हैं। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में के कोरोना के मामले 5,335 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 6 लोगों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ संक्रमण दर 3.32% पहुंच गई है। वहीं इन नए मामलों के दर्ज होने के बाद देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 25,587 हो गई है। कोरोना के अधिकतर मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में दिख रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक मासूम बच्ची से दरिंदगी और फिर उसकी हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। बहुचर्चित पूजा भील बलात्कार एवं हत्या मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बुधवार को आदिवासी समाज के लोग भारी संख्या में सड़क पर उतरे। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति की जुबां पर एक ही नारा था, मावली की 9 वर्षीय भील नाबालिग के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस के अनुसार आरोपी के माता पिता ने भी इस जघन्य अपराध में अपने बेटे का साथ दिया था। नाबालिग लड़की की हत्या के बाद शरीर के टुकड़े को थैले में भरकर घर में छिपाने में माँ बाप ने उसका साथ दिया। खास बात यह है कि 9 साल की बेटी के परिजन व ग्रामीण ढूंढते रहे, लेकिन
पीड़ित के पड़ोसी हत्या के आरोपी गुम हुई बेटी के शव के टुकड़ों को अपने घर में छिपाकर अनजान बनने का ढोंग करते रहे। जब शव के टुकड़ों से बदबू उठने लगी तो गांव के एक खंडहर में फेंक आए। इसका खुलासा तब हुआ जब 1 अप्रैल को खंडहर में बेटी के शव के टुकड़े मिले। बता दें कि उदयपुर के मावली पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में आरोपी कमलेश राजपूत ने गत 29 मार्च को 9 वर्षीय भील लड़की को अपने घर में ले जाकर बलात्कार किया था। इसके बाद अपने ही घर में धारदार हथियार से लड़की के शरीर के 10 टुकड़े कर दिए थे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।